हाय वीवर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जायका इंडिया का पर। आज हम बनाने वाले हैं इजी और इंस्टेंट ब्रेकफास्ट। जी हाँ, आज हम बनाएंगे चीज़ी ब्रेड ऑमलेट सैंडविच। ये रेसिपी बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है, आप इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चीज़ी ब्रेड ऑमलेट बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं 2 अंडे, 2 ब्रेड की स्लाइस, 1 चीज़ की स्लाइस, तेल, आप यहाँ पर तेल की जगह बटर और घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शेजवान चटनी, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटी हुई प्याज और बारीक कटे हुए टमाटर। अब हम एक ब्रेड की स्लाइस लेकर इस पर शेजवान चटनी लगा लेंगे। यहाँ पर आप शेजवान चटनी की जगह पिज़्ज़ा और पास्ता सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप टोमेटो केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम इस पर 1 चीज़ की स्लाइस रख देंगे। इसी के साथ हम दूसरी ब्रेड की स्लाइस लेकर उस पर भी शेजवान चटनी लगा लेंगे। यहाँ पर आप किसी भी सॉस का इस्तेमाल ना करें और सिर्फ चीज़ की स्लाइस अप्लाई करें तो भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इस ब्रेड की स्लाइस को हम चीज़ की स्लाइस पर रख देंगे। यहाँ पर हमने एक पैन को गरम करके उस पर ऑयल अप्लाई कर लिया है। इसी के साथ हम इस पर हमारी तैयार की हुई ब्रेड और चीज़ की स्लाइस रख देंगे और इसे हल्के हाथों से प्रेस करते हुए दोनों तरफ से टोस्ट कर लेंगे ताकि हमारी चीज़ मामूली सी मेल्ट होने लग जाए और ब्रेड की स्लाइस इसके साथ अच्छे से चिपक जाए। यहाँ पर हमें इन्हें ज़्यादा टोस्ट नहीं करना, सिर्फ तब तक टोस्ट करेंगे जब तक ब्रेड का कलर मामूली सा चेंज होने लगे। यहाँ पर हम एक बोल में 2 अंडों को तोड़ लेंगे। इसी के साथ हम इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। और इन सबको अंडों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसी पैन में 1 टेबलस्पून तेल या घी डालकर उसे पूरे पैन में फैला देंगे और गर्म होने देंगे। इसी के साथ हम इसमें हमारा फेटा हुआ अंडा ऐड कर देंगे और इसे पूरे पैन में अच्छे से स्प्रेड करके थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। यहाँ पर हमारे ऑमलेट को पकते हुए 1 से 1.5 मिनट हो चुकी है। अब हम इसके सेंटर में टोस्ट की हुई ब्रेड की स्लाइस रख देंगे। इसी के साथ अब हमारे ऑमलेट को हम फोल्ड कर लेंगे। हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है कि इसमें ब्रेड की स्लाइसेस अच्छे से कवर हो जाए। यहाँ पर एक बात का ध्यान रहे कि गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल लो रखना है। आप देख सकते हैं कि हमारी ब्रेड की स्लाइसेस ऑमलेट में अच्छे से कवर हो चुकी है। अब हम इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी अच्छे से सेक लेंगे। हमें इसे हल्के हाथों से प्रेस करते रहना है। यहाँ पर हमने ऑमलेट को हल्के हाथों से प्रेस करते हुए दोनों तरफ से सेक लिया है। अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो लीजिए, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है हमारी चीज़ी ब्रेड ऑमलेट सैंडविच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इंस्टेंट ब्रेकफास्ट की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।